ओम शांति। मुरली का तारीख है 21-2-2020। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सत्युगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसीलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यहाँ भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने, श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाल में जब आते हो देखते हो, पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर बीचे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। पहले हाल में आते हो तो देखते हो, पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया, या ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाबा को जानते हैं, वहां ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए, कहते भी हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, यहाँ बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसीलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंद, सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है, कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम मात पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। यहाँ भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं, रावण का शाप लगा हुआ है, इसीलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माता टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सत्युग कब था यहाँ किसी को पता नहीं है। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सत्युग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सत्युग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं, देखो गाया भी जाता है। 33 करोड़ देवताएं होते हैं, ऐसे तोड़े ही वहां कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं, तो यहाँ भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बातें तो यहाँ है सत्युग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यहाँ भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होगा। कहते हैं राम राज्य था, समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर है ना, जितने हैं मनुष्य उतनी है मते। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, तो वहां भी मनुष्य मनुष्य की महिमा गाते हैं क्या? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को
तुम सत्युगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति दा ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यहाँ तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े, वहाँ है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है, वहाँ सुख दुख से न्यारे रहते हैं, फिर सत्युग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वहाँ है बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वहाँ है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है, सन्यासी भी समझते हैं यहाँ हिंसा है, इसीलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशुक माशुक की प्रीत होती है, वहाँ आशिक माशुक एक जन्म के गाए जाते हैं। आशिक माशुक की प्रीत होती है ना, वहाँ आशिक माशुक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशुक के आशिक, भक्ति मार्ग में मुझ एक माशुक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ या अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरण सब करते हैं, यहाँ है नरक, इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है वहाँ समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। विमान आदि सब कुछ वैभव है, कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी है तुम मातमिता, परंतु समझते कुछ नहीं। भगवान को मात पिता कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख गनेरे मिले या कोई भी नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, आत्मा ये समझती हो हमको सुख गनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग सुखदाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवारों के कितने महल थे, भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत दंता जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वहां सब कहां चले गए, कितना लूट कर ले गए हैं। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, कितना अतः दंता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग का मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही हैं। भारत को ही शिव भगवान ने स्वर्ग का वर्षा दिया था। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे या किसी को पता नहीं है। बाकी यहाँ समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था। बाप को कहते भी है हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इनों की डिनायस्टी होगी ना, फिर इनों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाए तो बहुत बनते है ना, सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते है ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उनों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते उनों का ही यहाँ यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, फिर अपनी माला बैठ पूजते हो। तुम स्वयं पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माता टेकेंगे,
पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शुबाबा से वर्षा पाते हो, या राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन तोड़े ही समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही उनों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित है, जो पावन थे वहां सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, यहाँ जाड़ है, कितने टाल टालियां मठपंथ है। अभी यहाँ सारा जाड़ कलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस जाड़ के फाउंडेशन, उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सत्युग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उनों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र है उनों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है, अब वास्तव में पुराने ते पुराना है। आदि सनातन देवी देवता दल, उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना, भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वहाँ पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्विक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनाते हैं। हीरे सोने आदि की कानिया जो अभी काली हो गई है वहाँ फिर वहाँ बरत हो जाएगी। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सत्युग में कितने तोड़े मनुष्य होते हैं, फिर रुद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती है, आते आते जाड़ बढ़ता है। फिर जब जाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है। यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है, वहाँ कितने अनेक धर्म है। जनसंख्या बतलाते हैं ना, यह सब है रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी तोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वहाँ नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वहाँ निराकारी जाड़ है, या मनुष्य सृष्टि का जाड़ है, या तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी, अगर विकार में गिरा तो बाकी यहाँ सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन, अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉडफादर शुबाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन आर्गन्स द्वारा सुन रही है, पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी, वहाँ गॉडफादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको वापिस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे वहाँ टेप मिशन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ शावल शाह है ना, पहले गोरा था अभी सावरा बना है, तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। फिर एक क्यों बनेगा, एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है, विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म, फॉर माय सेक मेरे लिए पवित्र बनो। बच्चों से या भीख मांगते हैं,
कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो तो या जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से फास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं, सतो प्रदान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम होती जाती है, काद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, पांच तत्व कहे जाते हैं। या नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियां तो सागर से निकलती है, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है, एक माशुक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। सेकेंड पॉइंट, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है, डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान, मैपन के बाण को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के बाण को मिटा देना, जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा और मैं आगे रहूं इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर वन में जाने का फल मिला, तो फॉलो फादर स्लोगन। फट से किसी का नुकसान निकाल देना या भी दुख देना है। अच्छा, ओम शांति।